सबसे पहले तो यहाँ की वुमेन्स टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सबसे मिले, क्या कुछ मतलब यादें शेयर की आपने, क्योंकि चकदे में हमने आपको देखा था खेलते हुए, और यहाँ पर भी लड़कियाँ जो है फुटबॉल खेल रही है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक जो कोई भी स्पोर्ट होता है ना, एनर्जी ना इन एवरी स्पोर्ट इज़ द सेम. सो जो हमने एक्सपीरियंस किया जब हम हॉकी खेलते थे, आई कैन रियली रिलेट टू इट. इट्स द सेम काइंड ऑफ एनवायरमेंट. सो इट डजंट मैटर अगर आप कंट्री के लिए खेल रहे हो यार, आप यू नो यू कम टुगेदर टू प्ले इट फॉर एनी थिंग. द एनर्जी, द एनवायरमेंट ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट, द टीम एफर्ट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, एंड दैट्स द एग्जैक्टली व्हाट आई फेल्ट हियर. राइट, तो फिल्म करने से पहले और उसके बाद मतलब क्या चेंजेस आया था? कुछ हॉकी सीखी थी आपने, और शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? हॉकी तो बहुत सीखी. वी प्रैक्टिस फॉर ऑलमोस्ट 6 months बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग. तो एक्सपीरियंस तो इज़ ऑलवेज नाइस विथ एवरी फिल्म, एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहता है. सो नाउ आई एम वेरी एक्साइटेड कि यहाँ पे अभी फुटबॉल खेलने को मिलेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस होगी. सो वेरी एक्साइटेड. राइट, इस फिल्म के लिए कितने मेहनत किया आपने, क्या कुछ सीखा आपने मॉनसून? अभी मेहनत तो स्टार्ट हो जाएगी, बट व्हाटएवर लिटिल आई हैव रेड द स्क्रिप्ट दैट यू नो वी गॉन थ्रू, बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है. इट इज़ टू डू विथ स्पोर्ट्स, इट्स टू डू विथ वुमेनहुड, इट्स टू डू विथ एम्पावरिंग यू नो वुमेन विथ यू बींग अ वुमेन. इट्स वेरी, इट फील्स ग्रेट दैट यू आर एम्पावरिंग अ लॉट मोर टुगेदर. तो मज़ा तो बहुत आएगा, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. राइट, ज़हीर खान कितना इन्वॉल्व होता है जब भी आपका कोई भी मतलब फिल्म का डिसीजन होता है या ऐसा कुछ में? ज़हीर आपके साथ कितना मतलब कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं अगर Decision is completely mine. So we have individuals when we take our decisions, but of course as a husband and wife we definitely you know I share with him, but at the end of the day decision to mera hi rehta hai. Recently aapko matlab ek mandir mein spot kiya gaya tha Zahir Khan ke sath, kya kehna chahenge? Matlab blessing lene gaya the shayad aap? We take blessings everywhere, whether it's a mandir or a darga or anywhere, so it doesn't matter. So is film ke liye kya preparation ki hai aapne, aur sponsors ke bare mein kya kahenge jinhone ye initiative liya hai women's football league ke liye? I think it's a great initiative. I think hamare country mein aise aur and aur leagues hone chahiye, you know, where people are coming across and doing these things. So I'm just super happy ki I can be a part of this and see a little bit of this, and yeah, super excited. Right, can we have a director so that we can know more about the film? Yes please. Where's Milind sir? Hello. So there's the director who is sir, kya kehna chahenge sabse pehle to film ke bare mein? To preparation already shuru ho chuki hai. Bilkul. मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर स्पोर्ट्स फिल्म फुटबॉल पे करनी थी मुझे, तो बहुत सारे नाम जहन से गुजरे, लेकिन मुझे लगा कि एक जो स्पोर्ट्स से जुड़े हो और एक बेहतरीन एक्ट्रेस हो, तो सबसे पहले तो मुझे सागरिका का ख्याल आया, और लकीली उन्होंने मेरे इस प्रपोज़ल को मान लिया. तो इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं हो सकती कि मॉनसून फुटबॉल जो एक फ़ुटबॉल पर गेम है, फिल्म है, उसमें सागरिका लीड रोल करेगी. लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्पोर्ट फिल्म नहीं है, ये वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में फिल्म है. तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है वुमेन एम्पावरमेंट का और फुटबॉल का और स्पोर्ट्स का, उसका एक बेहतरीन प्रदर्शन इस फिल्म में दिखाया गया, और इसलिए हमने आज का ये मौका चूज़ किया है कि जहाँ पर एक्चुअली अगर आपको पता नहीं होगा कि हमारे मुंबई में कबड्डी 25 है ना वुमेन फुटबॉल क्लब्स है, यू नो मुझे लगता है किसी को मालूम नहीं, मुझे भी नहीं मालूम था, और उनमें से 12 क्लब्स आज ये मैच खेल रही है, उसमें से आज सेमीफाइनल है. सो हमने ये मौका इसलिए ढूंढा कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है वुमेन एम्पावरमेंट का, कि वो मर्दों वाले गेम में आके भी यू नो अपने अस्तित्व को कैसे और अस्मिता को किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं. तो इस मौके को लेके सागरिका जी जो है, इन्होंने अभी आपके सामने में एक्चुअल फुटबॉल कैसे होता है वो प्ले करके दिखाएगी, और ये फिल्म मुझे लगता है कि एक नया आयाम पैदा करेगी कि स्पोर्ट्स के थ्रू वुमेन अपना एम्पावरमेंट कैसे करती है, ये एक फिल्म में हम दर्शाएंगे. सागरिका, आज मदर्स डे है, तो कुछ मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहे बचपन की, या फिर ऐसी कोई याद है जो? आई थिंक इज मदर्स डे, आई एम वेयरिंग माय मदर्स साड़ी, सो आई थिंक दैट इज द नाइसेस्ट थिंग आई कैन डू. बट मेमोरीज तो एवरी डे इज अ मदर्स डे, सो ऐसा एक मेमोरी आई कांट टेल यू बिकॉज देयर सो मेनी मेमोरीज विद माय मॉम, सो इट बी वेरी डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट वन. बट या आई विश ऑल द मदर्स अ वेरी हैप्पी मदर्स डे, एंड यस वी आर हियर बिकॉज ऑफ यू ऑल, सो थैंक यू. जैसे ये मिलन सर ने बताया, आपको टुडे इट बिकम्स वेरी इम्पोर्टेंट कि
यू गेट मैरिड एंड देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स कि आप भूल जाते हो कि वॉट यू डिड बिफोर मैरिज ऑल्सो. सो आई थिंक दिस फिल्म इन इट्स ओन वे हेल्प्स यू रिमेंबर कि दैट यू एज अ वुमन देर इट्स देर आर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स ऑल्सो दैट आर अ पार्ट ऑफ यू. सो आई थिंक इट ब्रिंग्स बैक ऑल दीज मेमोरीज एंड इट इज दिस फिल्म विल टॉक अबाउट वुमेन कमिंग टुगेदर एंड empowering themselves and a lot more other women around them. So, sari ka ek chota sa main bata deta hu aapko ki sari ek baar pehen ke aurat you know kitchen mein chali jati to fir unko lagta ki unka jo sara astitva wahi pe simat gaya hai. To main chahta tha is film ke dikhao ki wahan pe unka astitva khatam nahi hota, wo kisi bhi point pe wapas apne astitva mein laut sakti hai, asme asmita mein laut sakti hai, apne aap ko empower kar sakti hai. Aur isiliye is film mein aap dekhenge ki hamari sari auratein jo hai फीमेल जो है सारी पे ही फुटबॉल खेलती है क्योंकि वो रिप्रेजेंट करना चाहती है, वो दिखाना चाहती है, दर्शाना चाहती है, साबित करना चाहती है कि हाउसवाइफ बनने के बाद में उनका पावर कोई खत्म नहीं होता है, उनमें उतना ही पावर होता है ना उतना ही दम होता है और वो कभी भी उस चीज़ को साबित कर सकते हैं. सागरिका लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों जो है क्रिकेटर्स पर बहुत सारी बायोपिक बन रही है, तो अगर ज़हीर खान पर कोई बायोपिक बनती है तो कौन सा ऐसा एक्टर है जिसको आप चाहती है कि वो ज़हीर खान का किरदार प्ले करे? आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीवन्स नेम बिकॉज़ दे आर टुडे सो मैनी एक्टर्स और मुझे तो मेरे दो तीन फेवरेट है तो मुझे आई कांट आई थिंक अबाउट इट. ज़हीर एज अ पर्सन ही इज़ अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन, सो नॉट रिजर्व्ड बट वेरी स्ट्रांग माइंड एंड रिजर्व पर्सन, सो इट हैज़ टू बी समबडी. आई फील समबडी लाइक रणबीर कपूर कैन यू नो ही समबडी हु कम्स अक्रॉस लाइक दैट ऑन स्क्रीन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर क्वाइट अ फ्यू, सो आई डोंट नो, बट रणबीर इज माई फेवरेट, सो मे बी आई एम सेइंग रणबीर कपूर. ज़हीर खान की ऐसी कोई पारी है जो आप देखना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो ऐसी कोई पारी है जो आपको याद आती है? I love seeing I see all his videos whenever I get the chance, so yeah, I mean so keep remembering. हिमेश रेशमिया में मेरे को-स्टार नहीं रहे. आई जस्ट वुड लाइक टू विश हिम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ. थैंक यू सो मच.